नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। जी हां, उन्होंने ये कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। वो निश्चित पराजय में है, ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि ईवीएम को बदला जा सकता है, इसीलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पहली नजर बनाए है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। हरीश रावत ने कहा, ऐसी जानकारी है कि अलीगढ़ में ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जिनको स्ट्रांग रूम में लगवाया जा रहा है, जिनकी पहचान आसानी से हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा जिस स्थिति में है उससे ये कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है या ईवीएम को ही बदला जा सकता है। वहीं हरीश रावत ने पोस्टल बैलेट पर भी सवाल उठाया। पोस्टल बैलेट को फाड़ने का भी आशंका है, यही नहीं पोस्टल बैलेट मतपत्र को बदला भी जा सकता है, लिहाजा विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा डरी है और इस तरह की सूचना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है और उसको बदला भी जा सकता है, क्योंकि भाजपा सरकार में कुछ भी मुमकिन है। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जो खबरें हैं कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं, जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। तो आप भी क्या कार्यकर्ताओं से ऐसी अपील करते हैं कि निगरानी पुत्र जब अध्यक्ष जी ने कहा है तो उसमें सभी का, हाथी के पाँव में सबका पाँव, उन्होंने जो भी कहा है और ये पूरी पुख्ता शंकाओं और सूचनाओं के आधार पर कहा है, सब लोग डरे हुए हैं। हम प्रशासन तंत्र से अपेक्षा करते हैं कि वो निष्पक्ष अंपायर की भूमिका में रहे। लेकिन जैसे आप करें आंकड़े, आप बता रहे 48 सीटें आ गई, तो फिर ईवीएम में डर कैसा? वो लोग अब मतदान जो डांग से मत जा रहे हैं उनमें पहली बार ये हो रहा है। पहले ये होता था कि बक्सा लगता था तहसील में, उसमें डाले जाते थे, अब के जो है सिंपल लिफाफे से भेज दिए जा रहे हैं और जो मतपत्र है उसमें खाली टिक कर रखा है, तो और अलग है वो मतपत्र, वो बदला भी जा सकता है और हो सकता है पूरा फाड़ दिया जाए, साधारण ढंग से भेजा जा रहा है, तो चीज़ें संदेह पैदा कर रही ना। और कम कम नहीं है, दो दो ढाई ढाई हज़ार मतपत्र हैं ऐसे जो है जो कर्मचारियों के उनके हैं और उसमें उपनल कर्मी दूसरे सबके हैं, सबके वो आ रहे हैं, तो उसमें गंभीर संदेह है कि पहली बार बक्सा क्यों नहीं लगाया गया, क्यों नहीं सील लिफाफे में आ रहे हैं, क्यों यशपाल जी? तो ये था ईवीएम सुरक्षा को लेकर उठ रहा बड़ा मामला। इसी तरह हर लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24 को। नमस्कार।